दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहड़ा। जैसे कि अभी हमारे कोविड हॉस्पिटल्स में केसेस हो रहे हैं, मतलब ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अब एक नई जो है ब्लैक फंगस करके जो एक कॉम्प्लिकेशन जो है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, कोविड की इन्फेक्शन के संक्रमण के बाद जो बीमारी सामने आ रही है वो फंगस की एक बीमारी है, म्यूकोरमाइकोसिस है उसका नाम। और ये जो ब्लैक फंगस है ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है, आईज़ को करती है और इंटरनल ऑर्गन्स को करती है। और मोस्टली जो है ये उन पेशेंट्स में पाई जाती है जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार है, जैसे कि जिनकी ब्लड शुगर ज़्यादा है और जिनका स्टीरॉयड जो है अर्ली स्टीरॉयड देने से हो रहा है, और जो लोग इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ खा रहे थे पहले और जिनको जो है कैंसर या कोई ट्रांसप्लांट वगैरह जिनका हुआ हुआ है उन लोगों को जो है ये बीमारी ज़्यादा आ रही है। और ब्लैक फंगस में काले रंग का जो है एक स्पॉट बन जाता है आईज़ के पास में, और हमारे जो है लंग्स में भी जो है ये स्पोर्स जो होते हैं फंगस के वो चले जाते हैं। और मोस्टली इसका कारण देखा गया है कि अगर हमारा ह्यूमिडिफायर जो है जो हम ऑक्सीजन देते हैं अगर उसमें उसकी समय समय पर सफाई ना हो और उसमें जो है डिस्टिल्ड वाटर ना डाला जाए, अगर हम टैप वाटर डालते हैं तो ये फंगस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालना चाहिए और दूसरा जो है हमने ये निर्देश दिए हैं कि उनकी समय समय पर उनको क्लीन करके सफाई होनी चाहिए। दूसरा जो है कि ब्लड शुगर जिनका भी पेशेंट जो कोविड ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका ब्लड शुगर जो है समय समय पे चेक होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए जिनका ज़्यादा डेली चेक हो एक बार, और उनको जो है इसकी ट्रीटमेंट पे डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट पे शुगर की ट्रीटमेंट पे डाला जाए और उनका ब्लड शुगर कंट्रोल रहना चाहिए। तीसरी बात की जो स्टीरॉयड्स हैं हम जो अर्ली स्टीरॉयड्स पहले दे रहे थे अब उनको हमने 8 दिन के बाद शुरू किया है। पहले 8 दिन जो है स्टीरॉयड अवॉइड करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी देते हैं क्योंकि स्टीरॉयड जो है वो भी ब्लैक फंगस को जो है बढ़ावा देते हैं। तीसरी चीज़ जो और एक चीज़ है कि जो लोग ठीक ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, समय समय पे जो है वो खाना ठीक नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, उनको भी हमने ये हिदायत दी है कि उनको ठीक प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट दी जाए और उनको समय समय पर खाना दिया जाए, जिंक और मल्टीविटामिन जो है ज़रूर दिए जाए। और ब्लैक फंगस के जो अभी तक हमारे पास कोई मामला हमारे ज़िला में सामने नहीं आया है, लेकिन हमारी पूरा जो है इसमें सावधानी है, हमने गाइडलाइन जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में बीएमओस को हमारे जो कोविड सेंटर्स हैं उनके नोडल ऑफिसर्स को जारी कर दी हैं, जैसे कि डीसी साहब की दिशा निर्देश से भी हमें पूरी गाइडलाइन मिली हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है वही हम शेयर कर रहे हैं सभी के साथ। और हम जनता से भी कहेंगे कि जो लोग घरों में होम आइसोलेशन में हैं अगर वो डायबिटिक पेशेंट हैं और वो कोई अगर और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्टीरॉयड्स ले रहे हैं पहले से किसी बीमारी के लिए, या जिनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है कोई, और या फिर वो कोई कैंसर के मरीज़ हैं, तो उन लोगों को बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है और वो डॉक्टरी सलाह समय समय पे लें, अपना ब्लड शुगर जो है समय पे चेक करते रहें, ग्लूकोमीटर से डेली जो है ब्लड शुगर चेक होना चाहिए और जो 120 से नीचे जो है ब्लड शुगर हमेशा रहना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो अपने डॉक्टरी सलाह लें, अपने नियरेस्ट जो आपके मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं आपके होम आइसोलेशन के उनको ज़रूर बताएँ। और भी कोई अगर आपके परिवार में कोई इस मामले में संक्रमित होता है तो उसके बारे में जानकारी दें। मैं एक चीज़ और इसकी ऐड करना चाहूँगा कि इसमें जो लक्षण हैं ब्लैक फंगस के उसमें आपको ज़्यादा बुखार आना, खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, खून की उल्टी आना, और इसके साथ साथ जो है आपका जो किसी मरीज़ का जो है मेंटल स्टेटस जो है वो ऑल्टर्ड हो जाना, उसकी बेहोशी की हालत में जाना, ये सिम्टम जो हैं ब्लैक फंगस के हैं। और इसमें हमें जो है जल्दी से जल्दी जो है इसमें जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, इसमें जो एम्फोटेरिसिन बी जो है वो हम प्रक्योर कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इंजेक्शन जो है एम्फोटेरिसिन बी जो है ये इसकी ट्रीटमेंट भी है और उससे जल्दी इलाज किया जा सकता है। प्रकृति की गोद में बसे जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहड़ा अपर में बी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज चेयरपर्सन चंचला देवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्लस टू मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल में पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए 60-60 सीट्स का प्रावधान है, जिसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के 10 प्लस टू में 45% अंक और एसटी विद्यार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही उन्हें बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि 2009 में स्थापित डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, मशीन रूम, लाइब्रेरी, क्लास रूम्स, प्लेग्राउंड के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों एवं अस्पतालों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है, जबकि पीजी डिग्री के बाद नामी शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा डीडीएम स्कूल में नर्सरी से लेकर 10+2 तक दाखिला प्रक्रिया भी जारी है। ज्यादा जानकारी हेतु एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।